गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंदौरी चटोरे। यार आप लोगों ने हमारा चाय वाला एपिसोड तो देख ही लिया होगा यार। और भैया चाय जाके पी की नहीं पी? बिल्कुल यार पी की नहीं पी। तो चलो ठीक है, अब चाय का भी ब्लॉग हो गया, अब अगला क्या। तो हम लोग वहीं थे और उसी के पीछे एक है जो इंदौर का हेरिटेज संभाल के बैठा है यार। एक शॉप है जो मतलब अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ आपको आके बहुत अच्छा फील होता है यार। मैं बताऊं तो सावरिया स्वीट्स आपने सुना होगा, हनुमान मंदिर के जस्ट पास में लगी हुई है। बिल्कुल, वहाँ पर सिर्फ एक तरीके का पेड़ा मिलता है, सिर्फ एक केसर पेड़ा, एक तरीके का पेड़ा केसर पेड़ा। और जो अपना चाय वाला है राजा रानी चाय, उनके जस्ट अपोजिट साइड है, पीछे की साइड है। तो यार ये ब्लॉग भी जरूरी था और इंदौर की हिस्ट्री से रिलेटेड है ये ब्लॉग, तो यार बहुत अच्छा होने वाला है। बिना स्किप करे देखना, मजा आएगा हमको भी और आपको भी, तो बने रहिए। ये है बाहर से सावरिया स्वीट्स। आप सोच रहे हो यार बहुत बड़ी सी शॉप होगी, नहीं यार ये छोटी सी शॉप है और यहाँ पर आपको तो बस केसर ही केसर पेड़े मिलेंगे। ये हनुमान मंदिर आप देख सकते हो, एड्रेस में एक बार समझा देता हूँ, सुभाष चौक हनुमान मंदिर राजवाड़ा इंदौर। तो यार अब टेस्ट करके देखते हैं कि भैया पेड़ा है कैसा। यार गाइज ये है मेरे हाथ में पेड़े, केसरिया पेड़े, जो इंदौर का एक अपना हेरिटेज लेके चल रहे हैं पिछले 45 सालों से। तो मैं टेस्ट करके जल्दी से बताता हूँ कि कैसे हैं यार ये। एक बार दिखाओ थोड़ा सा क्लोजअप में तन में। क्या तो टेस्ट है यार इसका। रेटिंग कितनी देना चाहोगे? रेटिंग मैं देता हूँ, पर अगर आप एक इंदौरी हैं तो आपने अपने लाइफ स्पैन में इसको एक बार तो ज़रूर खाया ही होगा। और रेटिंग की बात तो यार 5 में से 5 डिजर्व करने वाली चीज़ है ये। और मतलब यार अगर नहीं खाया तो फिर यार क्या कर रहे हो यार, आके खाओ जल्दी से। यार मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं जब भी खजूरी बाजार आता हूँ तो हमेशा एक ना एक पेड़ा खाते। वाह यार, तो खाना ही चाहिए यार, बहुत अच्छा पेड़ा है, मतलब डिलाइटफुल, मज़ा आ गया। क्या बोल रहे हो? यार हमने खाया अभी पेड़ा, मुझे तो काफी अच्छा लगा। हमारे सामने अंकल, सबसे पहले अंकल आपका नाम बताइए आप। मेरा नाम श्री नारायण विजयवर्गीय। अच्छा, ये अपनी शॉप कितने साल से, मतलब कब से है शॉप? ये करीब करीब मैंने 1973 के करीब में मैं इस बिजनेस से जुड़ा, करीब 45-47 साल हो गए मेरे को। और एक ही आइटम मैंने चूज करा कि अपन केवल एक ऐसा आइटम निकालो जो सिंगल ही रहे और लोगों को लगे कि हाँ कुछ है। और आपके काउंटर में अगर 50 मिठाइयाँ रखी है और अगर उसमें पेड़ा नहीं है तो वो सब विधवा मिठाइयाँ हैं। सिर्फ पेड़ा ही एक ऐसा है जो मिठाइयों का राजा माना जाता है। और ये पेड़ा कम से कम 10 से 15 दिन बिना किसी फ्रिज या कुछ भी साधन के, एक ही चीज जैसा मैं पैकेज में पैक करूँ वैसा ही रखोगे तो खराब नहीं होना है, इसकी एक विशेषता है। दूसरा ये एक बार आप पेड़ा खाओगे तो आपकी समझ में आएगा कि टेस्ट क्या होता है केसर का। कल हमको बता रहे थे कि यहाँ पर इनके 2 से 3 आउटलेट्स और हैं, तो अंकल एक बार आप एड्रेस समझा देंगे। एक आउटलेट तो हमारा कनाड़िया रोड पे संविद नगर, हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल पास वहाँ पे। और एक आउटलेट है विजयनगर में, स्कीम नंबर 54। अच्छा, एक दूध के सामने वाला रोड, केशव बेकरी वाली गली वहाँ पे। और अपना ये जो है ये तो है अपने ओरिजिनल वाला आउटलेट, यही है सबसे ओरिजिनल, तीनों है। अच्छा, नहीं नहीं मतलब सबसे पुराना यही है ना? सबसे पुराना यही है। वो अभी विगत वर्षों में हमने क्या कुछ लोगों की डिमांड थी वहाँ पे कि इधर भी डालो, बहुत दूर पड़ता है कुछ इधर भी, तो उनकी डिमांड के आधार पे हमने 2 ब्रांचें बढ़ा दी। चलिए ठीक है।
ये था वीडियो सावरिया स्ट्रीट्स का। मतलब यार इंदौर का एक हेरिटेज है यार, ये 45 साल से निरंतर रोज सुबह से शाम आपको यहाँ पेड़े मिलेंगे हनुमान मंदिर के नीचे। और बस यार मजा आ गया खा के, अभी भी मेरे मुंह में घूम रहा है पेड़ा यार, जैसा कि मैंने तो थोड़ा सा पानी पी लिया बट तब भी मेरे मुंह में घूम रहा है यार। तो यार बहुत अच्छा टेस्ट है, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं करा है तो यार आके करो, क्योंकि लगभग इंदौर की जनता तो वैसे कर चुकी है। बहुत ही प्यारे पेड़े, अगर नहीं करा है तो जल्दी आ जाओ यार। और आपको केसर पसंद है तो फटाफट आके केसर पेड़ा खाओ। बिल्कुल यार, चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ करते हैं। Woo!